फिर मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का आप गैस चार्जिंग आप बात कर रहे हैं, आप गैस चार्जिंग बात कर रहे हैं, दीपक जी गैस चार्जिंग बात कर दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रही हाँ मेरा जवाब पहली बात तो ये है कि आप मीडिया ट्रैक करना बंद कर दीजिए। देश में कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है। और हम संविधान पे भरोसा सुनिए आप चिल्लाइए मत, ज्यादा चिल्लाइए मत, ठीक है, आराम से सुनिए, आप पहले आराम से सुनिए, आप आराम से सुनिए पहले। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ और ना मैं आपका पत्रकार हूँ कि आप मेरा शोषण करेंगे। आप पहले आराम से बात कीजिए जेएनयूसी प्रेसिडेंट से, ठीक है, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए, ठीक से बात कीजिए और फिर जवाब सुनिए। मेरा जवाब ये है कि जो लोग स्लोगन लगाए हैं उनका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और आप जो ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं मैं आपकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम संविधान के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, और आप अगर ये चालाकी करेंगे ऑडियो बंद कर देने का तो ये भी पता चल जाएगा कि आपका असली मालिक कौन है, अगर आप मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आपकी साजिश पता चल रही है, और इसीलिए वो 10 लोग जो आयोजक हैं आपके प्रोग्राम में आने से मना करते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, अपनी बात जनता को सुनाते हैं, हम लोग जो अपनी बात जनता को कहना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ही ये तय करके बैठ चुके हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं। हम कहते हैं कि हम इस राष्ट्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और इस देश के अंदर जब तक गैर बराबरी रहेगी हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, और हमको लगता है कि देश में गैर बराबरी है, हम संघर्ष करते हैं, इसीलिए आज जेएनयू को डिफेम किया जा रहा है। और बहुत अफसोसजनक है कि इस देश की मीडिया भी आरएसएस के साथ हाथ मिला करके जेएनयू के ऊपर हमले कर रही है और जेएनयू को डिफेम कर रही है। मुझे लग रहा है इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आप बार बार ऑडियो को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ये है कि जो लोग वहाँ बैठ करके चिल्लाते हैं मछली बेचते हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है। अगर आप सच में इस देश में डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि कभी आप इस देश की अशिक्षा के फिर मैं आपके सवाल का जवाब मैं आपके सवाल का आप गैस चार्जिंग आप बात कर रहे हैं, आप गैस चार्जिंग बात कर रहे हैं, दीपक जी गैस चार्जिंग बात कर दीपक जी मेरी आवाज सुन पा रही हाँ मेरा जवाब पहली बात तो ये है कि आप मीडिया ट्रैक करना बंद कर दीजिए। देश में कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या सही है क्या गलत है, और हम संविधान पे भरोसा सुनिए आप चिल्लाइए मत, ज्यादा चिल्लाइए मत, ठीक है, आराम से सुनिए, आप पहले आराम से सुनिए, आप आराम से सुनिए पहले। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं आपका नौकर नहीं हूँ और ना मैं आपका पत्रकार हूँ कि आप मेरा शोषण करेंगे। आप पहले आराम से बात कीजिए जेएनयूसी प्रेसिडेंट से, ठीक है, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए, ठीक से बात कीजिए और फिर जवाब सुनिए। मेरा जवाब ये है कि जो लोग स्लोगन लगाए हैं उनका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और आप जो ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं मैं आपकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम संविधान के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, और आप अगर ये चालाकी करेंगे ऑडियो बंद कर देने का तो ये भी पता चल जाएगा कि आपका असली मालिक कौन है, अगर आप मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे,
आपकी साजिश पता चल रही है, और इसीलिए वो 10 लोग जो आयोजक हैं आपके प्रोग्राम में आने से मना करते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, अपनी बात जनता को सुनाते हैं। हम लोग जो अपनी बात जनता को कहना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ही ये तय करके बैठ चुके हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं। हम कहते हैं कि हम इस राष्ट्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और इस देश के अंदर जब तक गैर बराबरी रहेगी हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। और हमको लगता है कि देश में गैर बराबरी है, हम संघर्ष करते हैं, इसीलिए आज जेएनयू को डिफेम किया जा रहा है। और बहुत अफसोसजनक है कि इस देश की मीडिया भी आरएसएस के साथ हाथ मिला करके जेएनयू के ऊपर हमले कर रही है और जेएनयू को डिफेम कर रही है। मुझे लग रहा है इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आप बार बार ऑडियो को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ये है कि जो लोग वहाँ बैठ करके चिल्लाते हैं, मछली बेचते हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है। अगर आप सच में इस देश में डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि कभी आप इस देश की अशिक्षा के फिर मैं आपके सवाल का जवाब क्या सही है क्या गलत है। और हम संविधान पे सुनिए, आप चिल्लाइए मत, ज्यादा चिल्लाइए मत, ठीक है, आराम से सुनिए, आप पहले आराम से सुनिए, आप आराम से सुनिए पहले। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, और ना मैं आपका पत्रकार हूँ कि आप मेरा शोषण करेंगे। आप पहले आराम से बात कीजिए जेएनयू प्रेसिडेंट से, ठीक है, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए, ठीक से बात कीजिए और फिर जवाब सुनिए। मेरा जवाब ये है कि जो लोग स्लोगन लगाए हैं उनका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और आप जो ये मीडिया ट्रायल कर रहे हैं मैं आपकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हम संविधान के पक्ष में हैं, न्याय के पक्ष में हैं, और आप अगर ये चालाकी करेंगे ऑडियो बंद कर देने का तो ये भी पता चल जाएगा कि आपका असली मालिक कौन है, अगर आप मेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आपकी साजिश पता चल रही है, और इसीलिए वो 10 लोग जो आयोजक हैं आपके प्रोग्राम में आने से मना करते हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, अपनी बात जनता को सुनाते हैं। हम लोग जो अपनी बात जनता को कहना चाहते हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप पहले ही ये तय करके बैठ चुके हैं कि हम लोग देशद्रोही हैं। हम कहते हैं कि हम इस राष्ट्र में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, और इस देश के अंदर जब तक गैर बराबरी रहेगी हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। और हमको लगता है कि देश में गैर बराबरी है, हम संघर्ष करते हैं, इसीलिए आज जेएनयू को डिफेम किया जा रहा है। और बहुत अफसोसजनक है कि इस देश की मीडिया भी आरएसएस के साथ हाथ मिला करके जेएनयू के ऊपर हमले कर रही है और जेएनयू को डिफेम कर रही है। मुझे लग रहा है इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है, इसीलिए आप बार बार ऑडियो को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ये है कि जो लोग वहाँ बैठ करके चिल्लाते हैं, मछली बेचते हैं, आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है। अगर आप सच में इस देश में डिबेट करना चाहते हैं तो मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि कभी आप इस देश की अशिक्षा के videos doing the rounds on social media purportedly showing JNU students union leader Kanha Yakuma raising anti-national slogans were allegedly doctored, some news channels claimed. The Delhi government has sent the controversial videos for a forensic probe.
The Aam Aadmi Party government sent at least 5 such videos stemming from the JNU row for tests to forensic labs in New Delhi, India Today Television reported. The channel cited forensic experts stating that a video which shows Kumar calling for Azadi, independence, was doctored, and the original video apparently entailed the JNU student demanding independence from the caste system and communalism in the country. Waveforms on audio layers show doctoring. First examination shows voices have been mixed, experts told the news channel. The allegedly fake video was played on some news channels and was also presented by BJP spokesperson Sambit Patra on a news channel as proof of anti-national activities at JNU. The Delhi police arrested Kanhaiya Kumar last week after reportedly watching a video on a news channel that showed the JNU student leader shouting anti-India slogans. He has been charged with sedition. Earlier this week, Kumar was heckled by a group of lawyers outside the Patalal House Court where he was being produced for a hearing. The JNU row, which began after some students of the university allegedly commemorated Parliament attacker Afzal Guru's death anniversary on February 9, has escalated into a national political issue, with protests and counter-protests against anti-national activities being carried out in several parts of India.